जाके और गद्दारी कर रहे हैं। ये दलाल है, ये उन मुस्लिमों के दलाल है। ए, मैं भी सुन्न का इंजेक्शन लगा के मार लूंगी तेरी। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो आइए आज पहले शुरू करते हैं हमारी यार भारत की डांसिंग रिपोर्टर के साथ। पीके मूवी में जैसे हमको दिखाया गया था कि एक डांसिंग कार होती है, वैसे ही हमारी इस वरिष्ठ पत्रकार ने दिखाया कि डांसिंग पत्रकार भी होते हैं। ये वीडियो देखकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि आर भारत के मालिक इस पत्रकार का डांस देखकर कह देंगे कि अर्नब यू आर फायर्ड, तुमसे ज्यादा उछलने वाला व्यक्ति मिल गया हमको। टीवी वाले न्यूज बनाने के लिए घूमते रहते हैं। ये देखिए मेरे पीछे देखिए, सिर्फ आपको मलबा नजर आएगा। ये तस्वीर इस समय आप बूचा शहर की देख रहे हैं। रूस लगातार ये कह रहा है कि यूक्रेन में विदेशी सैनिक मौजूद है, और ये भी कह रहा है कि वो विदेशी सैनिक जो है वो खाने के सैनिक है। रूस की तरफ से ये बात भी कही गई है कि मारियोपोल सभी बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मीडिया नेटवर्क की टीम पहुंची है। बीन रिपोर्टिंग फ्रॉम वेरियस साइट्स व्हिच हैव बीन बॉम्ब्ड, वेयर देयर हैव बीन मैसेकर्स लाइक बूचा। फर्स्ट ऑफ ऑल कट द फीड नाउ and switch it to something else, anything. और दूसरे, अर्नब को प्राइम टाइम के स्लॉट से हटा दो सोमवार से। और सुन, नेहा को बोल स्टूडियो में आए। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। बाद से हम खुद ब्लैक सी पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये काला सागर की तस्वीर। काला सागर की तस्वीर। आइए अगले क्लिप्स में हम देखेंगे कि कैसे इतना नीचे गिर चुका है हमारा मीडिया कि अब तो इन्होंने सारी शर्म हया नरक में गेर दी है और खुले में अपनी बेइज्जती करवाते हैं। तो इस क्लिप में देखेंगे कैसे टॉप चाटुकार नविका बीमार अपने लॉजिक से आप सबको दंग करके रख देगी। उसे आग लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है तो वो आग कहाँ लगी उससे। कमाल है हमारी गोदी जानवर, जिसके सर पर सींग नहीं है पर दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इस राष्ट्र की संस्कृति में राम बसते हैं, राम राष्ट्र के प्राण हैं। और अब सवाल पब्लिक का, राम नवमी की यात्राओं पर पथराव क्या किसी सुनियोजित साजिश का एक रंग रूप है? नहीं। पत्थर कौन बरसा रहा है, इसका जवाब आप देंगे? उन पर पत्थर जिनने ना बरसाए उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन जिन्होंने मस्जिदों में आग लगाए उन पर कार्रवाई कब होगी? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उन पर बुलडोजर अच्छा। कब चलेगा उनके घरों पे, ये जवाब देंगे आप? अच्छा बताइए, बताइए कहाँ मस्जिद में आग लगी है, बताइए। तो मतलब कहाँ लगी है बताइए? गुजरात के अहमदनगर में। कब? इसकी अभी आपके चैनल चल रहा है, दंगा हुआ। जिला के माधक चदाऊ। कितने बजे कल की घटना? ये कब? शाम को 8 बजे। ओके, फैक्ट चेक हो रहा है, फैक्ट चेक हो रहा है, फैक्ट चेक जैसे ही होगा हम इसकी पुष्टि कर पाएंगे। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है जड़ा मादचोद। A few moments later. अहमदनगर की कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है। हमारे साथ हमारा रिपोर्ट, हमारा मेरे सहयोगी अमित राजपूत, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अहमदनगर गुजरात में कोई भी ऐसी घटना कल की है कि जिसमें किसी मस्जिद पर कोई आक्रमण हुआ, कोई जलाई गई, कुछ ऐसी वारदात हुई है? देख, अब तुम्हारे चेहरे में और मुठ में भी एक समानता सी आ गई, पूछो क्या? क्या? देखते ही मारने का मन हो गया। और में एक जो मस्जिद है, हिम्मतनगर की मस्जिद पे, वहाँ पर हिंसा हुई थी। हिम्मतनगर की मस्जिद पे हिंसा हुई थी, लेकिन आग लगने का कोई वाक्या है? वहाँ पर आगजनी की जो घटना की जो बात की जा रही है, मोक वहाँ पर पहुँचा था, पुलिस ने जो कहा है कि कुछ चीजों को वहाँ पर जलाने की कोशिश की गई थी। करवाली बेइज्जती? हाँ भाई।
कैसी लगी? आगे स्वाद। बहुत जरूरी है, शोएब जमाई जी, अहमदनगर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हिम्मतनगर में जो हिंसा हुई, आगजनी की कोशिश हुई, वैसी कोशिश बहुत जगह पर हुई है, सिर्फ हिम्मतनगर में नहीं हुई। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं एक कहूंगी, आपका झूठ पकड़ा गया। आगजनी की जिस घटना का कोशिश कर रहे थे शोएब जमाई कहने का, अहमदनगर में नहीं थी, हिम्मतनगर में हुई थी। तो अगले क्लिप्स में उभरती हुई चाटुकार दीप्ति त्यागी हमें बताती नजर आई कि अलवर में मंदिर टूटने पर हिंदू समाज कांग्रेस के खिलाफ धरनों पर बैठ रहे हैं, पर तोड़ने वाले एमसीडी तो बीजेपी वाले थे। ये वहां के हिंदुओं के लिए ये नहीं है, बल्कि और जगह पर जो हिंदू हैं, जो आसानी से गोदी चैनल्स की बातों में आ जाते हैं, उनके लिए है, ताकि वो बीजेपी का वोट बैंक बन सके। मंदिर तोड़े जाने को लेकर संत समाज आज सड़क पर आया। संतों ने जहां राजस्थान की गहलोत सरकार पर हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया, वहीं फिर से मंदिर बनाने की भी मांग रखी। इस प्रदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और हिंदुओं को प्रताड़ित कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस प्रदर्शन को नौटंकी बताया। तो हमारे सुप्रीम लीडर ने तेल के महंगे होने का कारण विपक्षियों को बताया और स्टेट्स को कहा सस्ता करने के लिए, पर अंकल हमारे बीजेपी रूल स्टेट्स में भी उतना ही रेट है। पहले ये वीडियो देखे, फिर हम बताते हैं आपको पूरी कहानी। रुपया के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 100। तो बीजेपी रूल स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश, वहां तेल का रेट है 120 रुपए और यूपी के पटना में भी 117 रुपए है। पर आगे देखें कि सीएम ममता बनर्जी ने हमारे सुप्रीम लीडर के इस रिक्वेस्ट पर क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, वो सुनने वाला है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खुला ऑफर दिया है जो कि ऐतिहासिक है और पीएम मोदी को जिसका जवाब देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान के बाद सीधा ऑफर देते हुए और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हम वादा करते हैं कि अगर केंद्र सरकार हमारा सारा बकाया दे देती है तो बंगाल की सरकार अगले 5 साल के लिए पेट्रोल और डीजल से सारे टैक्स हटा देगी। नरेंद्र मोदी जी, 97,807.91 करोड़ हमारा बकाया है, देखते हैं कि आप कितना डिलीवर करते हैं। तो ये बंगाल सरकार ने आरोप लगाया है कि जो जीएसटी का और बाकी राज्यों की आय का बकाया है केंद्र सरकार की तरफ, वो अगर मोदी सरकार दे देती है तो अगले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाएगी बंगाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर। तो आइए अगले क्लिप्स में हम देखेंगे हमारे पॉलिटिकल गैंडे के चैनल सुदर्शन न्यूज की गोबर न्यूज। मतलब ऐसे न्यूज देखकर ये लगता है कि ये न्यूज नहीं बल्कि एक सर्कस है जिसमें गैंडे सिर्फ मुस्लिम हिंदू ही कर सकते हैं, और इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को घेरा क्योंकि उस कंपनी का जेएनयू के साथ टाई अप है। तो पहले इनका ये कॉमेडी शो देखें और थोड़ा हंस लें। कुरान का नमक खा के और गद्दारी कर रहे, ये दलाल है, ये उन मुस्लिमों का दलाल है। ए, मैं भी सुन्न का इंजेक्शन लगा के गान मार लूंगी तेरी। कोई विज्ञापन नहीं, किसी प्रकार की कोई अपील नहीं, मानो की किसी सेक्ट की कंपनी हो और उसके मन में आ गया, उसको ले लिया। भारत सरकार के रिक्रूटमेंट के नियमों के उल्लंघन से लेके और भी कई मुद्दों लेकर मैं आपके सामने आकर ये पूछ रहा हूँ कि क्या भारत सरकार के कंपनी ने मुसलमानों को 100% आरक्षण दिया है? और भी कई प्रश्न हैं और ये प्रश्न उठने के बावजूद अभी तक इनकी नियुक्ति रद्द नहीं हुई। बहुत कुछ लेकर आज आपके सामने है और सबसे बड़ा प्रश्न आपके बच्चों के भविष्य का, जिनको आप अपना खून जलाकर पसीना बहाकर अपने माँ का मंगलसूत्र बेचकर और पिता की जमीन गिरवी रखकर पढ़ा रहे हो, उनको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि पवन हंस जैसी कंपनियों ने तय किया है कि मुसलमानों को ही 100% नौकरी देनी। देख लो, ये अपने आप चूतिया बन रहे। अनुरोध करूंगी कि कृपया इस तरफ आइए सर और दिखाइए कि इस प्रदर्शन को देखने के लिए सड़कों पर भारी संख्या में लोग अब उमड़ रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने गेट लांदा और उसके अंदर वो गई, वहाँ पर पुलिस आई, अब अंदर से आई है, अभी बात करते हैं। यही प्रार्थना है कि हर पोजीशन में हमको दे रहे थे, जैसा कि हमने आपको दिखाया गेट फांद कर कुछ महिलाएं अंदर चली गई, काफी देर तक वो अंदर भटकी, लोगों ने तब भी सामने से उनसे बात करने से इनकार किया। अपने आप को सारे कर्मचारियों ने एक ही कमरे में बंद करके पूरे ऑफिस की बत्ती बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। तो जैसा कि आप सबने देखा, तो पहली बात तो हम
पॉलिटिकल गेंडे को यही कहना चाहते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है, किसी के बाप दादा का डांस बार नहीं है कि किसी के भी कहने पर वहां लोगों को रिक्रूट किया जाए। और दूसरी बात यहां ये चीज है, हमें साफ दिख रही है कि ये औरतें, अगर इन्हें कह सकते हैं, ये औरतें उन सब काम करने वाले व्यक्तियों को हरास कर रही हैं और हमारा लॉ एंड ऑर्डर कान में रुई और आंखों पर नोट बांधकर सुन और देख रहा है। जहांगीरपुरी में इस दंगे का कठोर शब्दों में विश्लेषण आवश्यक है। खुले मन से कुछ चीजों को स्वीकारना आवश्यक है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। यह आपको समझना पड़ेगा कि आखिर आप कौन से कानून के दंडे से इन सांपों को ठीक कर सकते हैं जो आप ही का दूध पीकर आप पर ही फन उपाते। चल बोझड़ी के। अंकल, कौन से कानून की बात कर रहा है तू? तेरे ही चैनल की सो कॉल्ड घीदड़नियां लोगों के ऑफिस में जा जाकर उनको हरास करती हैं, तब तू जैसो को कानून नहीं याद आता क्या? नमक खाके और गद्दारी कर रहे, ये दलाल है, ये उन मुस्लिमों के दलाल है। कौन है जो टांग ऊपर करने की आदतें छोड़ नहीं रहे हैं? आखिर आपको 75 वर्ष पूर्ण होते जा रहे हैं तथाकथित स्वतंत्रता के, तो कुछ तो विचार करिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये विचार करने के लिए मजबूर करने वाली स्थिति क्या जहांगीरपुरी ने या देश भर में हुए तमाम हमलों ने आपके सामने नहीं लाई है? नहीं। अगले क्लिप्स में ये व्यक्ति एनडीटीवी पर निशाना साधता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एनडीटीवी इसकी तरह संगियों का पक्ष और एक ही तरफा न्यूज नहीं दिखाता, बल्कि दोनों पक्ष की बात दिखाता है, जहां संगी गए और जहां मुस्लिमों ने हमला किया वहीं। एनडीटीवी इस गद्दार, इस गोलीबाज नमक हराम को दिखा रही है कि ये बड़ा शालीन है, लोगों की मदद करता है। पहुंच गई घर पे, पड़ोसी को पकड़ लाई, हिंदू पड़ोसी को, जो कि विरोध में बोल ही नहीं सकता क्योंकि उसको उस गली में रहना है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? उनके वीडियो दिखाकर एक माहौल बनाना और इसको निष्पाप बनाना, इसके माँ का भी वीडियो है, मैं क्या दिखाऊं उसको, जो बोल रहे कि मेरा बच्चा तो 5 वक्त का नमाजी है, नादान है, रमजान में है, उपवास कर रहा है, गुस्से में आ गया, किसी की बंदूक ले ली और गोली चलाई तो क्या हो गया? यही अगर हिंदू, ये हिंदू की मां कहती गोली चलाते समय, तो फिर क्या होता? लेकिन ऐसा कह के बचाव करने वाले लोग इस देश में हैं, क्योंकि आप उनको ऐसा कार्ड खेलने देते हैं। अरे चाचा मेरी बात सुनो जरा, वो बंदा पिस्टल लेकर गया, एनडीटीवी ने कहीं भी मासूम नहीं कहा, बल्कि एनडीटीवी ने ये बात साफ साफ कही थी कि जहां ये व्यक्ति गलत है तो वहीं जो संगी तलवार और बंदूक लेकर आए थे उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई और उन पर उंगली उठा रहा है, तो तेरा खुद का चैनल उन संगियों की ऐसी वीडियो चला रहा है, जरा देखें। सरकार की गाय है तो यानी कि सुरेश सरकार का पूरा परिवार को उठा लिया गया। अब इस गाय को क्या कहा आपने, चारा भी कौन देगा? तो देखिए, सुरेश सरकार ने गाय भी अपने घर का, शायद यही कारण था कि जिहादी जो पूरी तरह से डरे हुए थे कि आखिरकार इस बस्ती के अंदर। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.